हाय एवरीवन वेलकम टू स्टडी आयर्स और हमारी अगली हमारा जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो है शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिल चुका है तो शांति निकेतन हमारा वेस्ट बंगाल में है एंड इसको यहाँ पर रिकमेंडेशन मिल चुकी है कि इसको इंक्लूड किया गया है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज लिस्ट में ठीक है अब शांति निकेतन क्या है क्यों इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एड ऑन किया गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक ओके चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले देखिए अन अकेडमी आप लोगों के लिए फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट लेकर आया है सब्सक्रिप्शन लेने पर तो जब भी आप लोग यहाँ पर अनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एक कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना ए एम एस लाइव जो कि यहाँ पर आपको देगा पचास प्रतिशत का डिस्काउंट ओके मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर अन अकेडमी आप लोगों के लिए आरम बैच लेकर आया है डू एनरोल इन दिस इसमें अमन सर द्वारा आप लोगों के लिए साइंस एंड टेक का कोर्स जल्दी आएगा ठीक है जिसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अन अकेडमी आप लोगों के लिए फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम लेकर आया है आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं इट्स एन ऑफलाइन बैच चलिए और यहाँ पर है अभ्यास का महासंग्राम आप लोगों के लिए ठीक है आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो चलिए बात करते हैं हम लोग शांति निकेतन के बारे में देखिए शांति निकेतन पॉपुलरली आज एक यूनिवर्सिटी टाउन के रूप में जाना जाता है विच इज़ लोकेटेड इन बुरबम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर ठीक है तो ये लोकेशन है आपकी शांति निकेतन की ऑल right फिर यहाँ पे जो नदियाँ हैं अगर हम नदियों की बात करें तो जो एरिया है दैट इज़ फ्लैंगड ऑन टू साइड्स बाई द रिवर एक तो अजय नदी है और दूसरी है कोपाई इसके बाद खोई शांति निकेतन वॉज एन अर्लियर हैड एन एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर बट सब्सटैंशियल सॉइल इरोजन गिव सर्टेन एरियाज अ बैरन लुक तो जो रिजल्टिंग फिनोमिना है दैट इज लोकली नोन एज खोई खोई रेफर करता है टू अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन स्पेसिफिकली हमें बुरभुम बर्धमान और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल की और कुछ पार्ट्स में आपके झारखंड में भी देखने को मिलता है सो so, ये जो जियोलॉजिकल फॉर्मिनेशन फॉर्मेशन है आपकी ये आपकी लेफ्ट सोल से बनी हुई है विच इज़ रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड ऑफन इट्स इन दी शेप ऑफ टाइनी हिल्स ओके चलिए इसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें अगर हम शांति निकेतन की तो देखिए इसका जो ये काफ़ी फेमस है कल्चरल और हेरिटेज प्लेस के लिए ठीक है, के लिए। अब यहां पर इसको किया गया था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। द्वारा। इसको expand किया गया था उनके बेटे टैगोर टैगोर का नाम आप लोग जानते होंगे ठीक है इनके पिताजी का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ठीक है इनके द्वारा इसको बनाया गया था किसको शांति निकेतन को रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट ही क्लासिक्स ठीक है टैगोर सॉन्ग्स पोएम्स नॉवेल्स और आप लोग उनके कई सारे ड्रामाज वग़ैरह भी हैं जो देखते हैं है ना बहुत सारे हैं जैसे विनोदनी वगैरह ऐसे कई सारे चोखेर बाली टाइप ऑफ जो ड्रामाज हैं ये सब आपके रविंद्र टैगोर द्वारा ही लिखे गए हैं तो शांति निकेतन जो है इट्स ऑल्सो द होम टू अ विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसको 1921 में रविंद्र टैगोर विश्व भारती द्वारा डिक्लेयर किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन नाइनटीन फिफ्टी शांति निकेतन का जो कैंपस है इट इज़ बीन अडोन्ड बाई स्पलेंडर स्कल्पचर्स फिरोज मुराल्स एंड पेंटिंग्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर नंदलाल बोस रामकिंग राम किंकर विनोद बिहारी मुखोपाध्याय एंड अदर्स ओके सो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो यू you नो know, अपने कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं ओके okay जी तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना कि शांति निकेतन जो है उसको यहाँ पर मिल गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्टिंग में अब शांति निकेतन भी आपका आ गया है ठीक है जी तो आपकी आज की वीडियो में इतना ही था आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियरली समझ में आ गई होगी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो है ना कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है इसे लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड बाय ऑल ऑफ यू